हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो दोस्तों, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि मैं वो वीडियोस वगैरह बनाने वाला हूँ, तो मैंने वो वीडियो बना दी है। और गुड न्यूज़ ये है कि वो वीडियो उस कंपनी को बहुत ज़्यादा पसंद है और उस कंपनी ने उस वीडियो को अपने चैनल पर डाल दिया है। ये गुड न्यूज़ है। और मेरे दोस्त ने मुझे 2 दिन बाद बुलाया था, तो 2 दिन बाद हम जा रहे हैं उसके पास। तो थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ कि कुछ नया सीखने जा रहा हूँ, कुछ इलेक्ट्रॉनिक इस लाइन में पहली बार मैं जा रहा हूँ, कुछ नया सीख रहा हूँ। तो देखते हैं आज क्या नया सीखने को मिलता है वहाँ पे। थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ। और हाँ, मेरा वो वीडियो देखने के लिए आप निवॉन एक्सप्रेस करके एक यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ जाइए और मेरा वो फर्स्ट वीडियो देखिए। ओह, न्यू सिक्योरिटी। इधर ही मिलेगा। हाँ, इधर ही बैठा। हाँ भाई। हाँ, सो तूने 2 दिन बाद बुलाया, मैं 2 दिन बाद आ गया। तो आज कहाँ से शुरुआत करें, क्या सिखाएगा? अभी क्या सिखाऊँ तुम्हें पहले? चलो हम बेसिक से शुरुआत कर लेते हैं। ओके। उसमें अभी तुम्हें मैं मोटर के बारे में बता देता हूँ। अच्छा, ओके। कौन सा वाला दे दूँ? ले, एक गियर मोटर बोले। हाँ, ये भी ले। तो ले ले। ओके, कितनी सारी मोटर रहती है रे? अरे बहुत सारे, स्पेसिफिक में कुछ दिखाता हूँ मैं। अच्छा, ये भी गियर बॉक्स डीसी मोटर है, सब कुछ लिखा हुआ है 12 वोल्ट। ये देख है मेरे पास, ऐसे मेरे पास ये अलग अलग मोटर है। अच्छा, ये देखिए, अभी एक मोटर का मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन देता हूँ। हाँ बता। देखिए, जॉनसन मोटर है। अच्छा, 100 RPM का है। अच्छा, 12 वोल्ट का है। हाँ। इसे 12 वोल्ट हम सप्लाई देते हैं। हाँ। ये हो गया। ये बो मोटर है। हाँ। देखो, ये बो मोटर है, ये छोटा छोटा गाड़ी होता है ना, जैसे कि अपना रिमोट पे गाड़ी चलता है छोटा वाला, जैसे छोटे बच्चों के लिए उसमें ये यूज होता है। अच्छा। ये 150 RPM का है, ये 3 वोल्ट से चलता है, इसलिए छोटे छोटे गाड़ी में चलता है वो। अच्छा, वो जो छोटे बच्चों की खिलौने वाली कार है, वो रिमोट पे चलते ना। अच्छा, वो वाली। ठीक है। ये डीसी मोटर है, 12 वोल्ट का ही है, 100 RPM का है। ऐसे ये भी लगता है ना, मतलब कार वगैरह में, कार में चेसिस में भी लगता है वो। अच्छा, ओके। ये अपना स्क्वायर बॉक्स मोटर है। हाँ। ये अपने बड़े कन्वेयर में लगता है, कन्वेयर वगैरह होगा ना। अच्छा, उसमें हाँ। लगता है वो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में। कन्वेयर मतलब वो कन्वेयर बेल्ट जो बोलते हैं, ऐसा घूमता है। हाँ हाँ, ओके। उसमें लगता है। इसके लिए कितना पावर लगता है? 12 वोल्ट ही देना पड़ता है। 12 वोल्ट पे भी ये चलता है? 12 वोल्ट पे ही चलता है ये, 60 RPM का है। अच्छा, ये कितना फास्ट घूमेगा ये? पंखे की स्पीड पे 1000 RPM। अच्छा, ओके। उससे भी ज़्यादा भी होता है, अपने को जैसे चाहिए होता है। अच्छा, इसके अंदर अगर समझ के अगर उल्टा अगर वायर लगाया जाए या पीछे से इसको अगर पावर दिया जाए तो ये घूमेगा? उल्टा यानी कि उल्टा सप्लाई, नेगेटिव और पॉजिटिव, जैसे उल्टा किया तो भी चलता है, उल्टा घूमेगा वो। अच्छा अच्छा, तो वो उल्टा घूमता है? उल्टा घूमेगा, जैसे यहाँ से सप्लाई देगा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें मैं दिखाता हूँ, ये मोटर है, ये अपने पास लिपो का बैटरी है। बैटरी, ओके। तो अभी इसे देख, ये प्लस में प्लस नहीं लगेगा ना? नहीं नहीं, प्लस में प्लस डालने का, माइनस में माइनस, तो ऐसा घूमेगा ये। देखो, ये ऐसा ऐसा घूम रहा है। हाँ, ओके, राइट में घूम रहा है। तो भाई उसे उल्टा पावर देंगे तो वह ऐसा घूमेगा। ये देख, अच्छा, अभी ऐसा ऐसा घूम रहा है, अभी ऐसा घूम रहा है। करंट वरंट लगता है क्या? नहीं, कुछ नहीं। ओके, तो और कुछ बता। और तुम्हें तो दूसरा वाला मोटर दिखा देता हूँ, डोमिनियन इंडिया वाला है। अच्छा, इसमें भी इस और है क्या? और एक है। कितने टाइप का मोटर है रे? ये देख, ये और ये सेम ही तो है? सेम है, उसमें थोड़ा डिफरेंस है। वोल्ट का तो नहीं, साइज का डिफरेंस है और उसके क्वालिटी का डिफरेंस है। ये 1000 RPM का मोटर है,
उसमें उसमें डिफरेंस है देखो, इसका स्क्वायर बहुत अलग है। हाँ। इसे ये अच्छा पावर लेता है, छोटी जगह पे ये लगा सकते हैं। ये कितना वोल्ट लगाएंगे तो चलेगा? 12 वोल्ट है, ये भी 12 वोल्ट ही सेम 12 वोल्ट। ओके, इसे ये बो मोटर है, इसमें से 3 वोल्ट दे सकते हो, 3 से 9 वोल्ट तक 12 वोल्ट भी दे सकते हो, ये चल जाएगा। अच्छा, तो तू मेरे को अभी कुछ बना के बताएगा इस मोटर से? एक स्क्वायर बॉक्स मोटर है 12 वोल्ट का, ये अपने रोबोट में वगैरह लगता है। ये रोबोट में लगता है? तो अपना बनाते हैं रोबोटिक चेसिस। तुम रोबोट भी बनाते हो? वो नहीं रहा रोबोट यार, रोबोटिक चेसिस होता है ना। अच्छा अच्छा, ऐसा मेरे को लगा रहे हो रोबोट लगाते हैं हम इसे, कन्वेयर विंगर में लगाते हैं। अच्छा, तो रुक तुम्हें मैं कुछ बना कर ही दिखाता हूँ। ये मोटर से? मैं मोटर से। क्या बात है, चलो फिर क्या बनाएगा? तो पहले कैप लेंगे, उसमें सोल्डरिंग आयरन से हम एक खड्डा कर देंगे, होल कर देंगे उसको, फिर हम एक मोटर पे इस तरह फिट करेंगे। और ये जो है ये पाइप यूज़ किया है, पाइप के अंदर मोटर और फिर ये, और इस साइड हम पीछे के साइड जो है ये पाइप फिटिंग माउंट करेंगे उसके थ्रू वायर निकाल के। और ये अभी अपने पास रेडी हो गया इतना पीस। इसके बाद अभी अपने को क्या करना है, जो है LED करना है। तो LED माउंट करने के लिए बॉटल की कैप यूज़ करेंगे। बॉटल के कैप के ऊपर हम पहले इसको ग्लू गन से चिपका देंगे, इससे जो है अपना रिफ्लेक्टर बनेगा। अब ये LED जो है, LED और रेजिस्टर्स हम लेंगे, रेजिस्टर उसके साथ हमको सोल्डरिंग करना है जो वैल्यू दिया है उसका। और ये जो है इससे अपना रिफ्लेक्टर बनेगा, इसमें भी एक होल कर देना है आपको, सो दैट LED उसमें से निकल सके। ये जो LED इसके अंदर गया, और इसको सब आप ग्लू कर दो। ग्लू करने के बाद आप कनेक्शन कर दो। अभी कनेक्शन हो चुका है, इसके बाद हम उसे जो ओपन पार्ट्स है उसके ऊपर टेप लगा देंगे ताकि कहीं शॉर्ट ना हो। और ग्लू गन से सब फिटिंग करना है। अभी साइड में हम जो सीढ़ी के बचे हुए टुकड़े थे उसे हम ग्लू गन से चिपका देंगे, सो दैट लाइट स्प्रेड हो जाए उतनी। और ये तैयार हो गई अपनी DIY लाइट। इसके ऊपर हम थोड़ा पेपर लगा देंगे ताकि लाइट एक ही साइड जाए। और ये जो है ये मोटर का आगे का अटैचमेंट बनेगा, इससे हम मोटर को घुमाएंगे, जिससे मोटर जो है वोल्टेज वहाँ पे देगा, पावर देगा, और उस पावर से LED जलेगी। कुछ नहीं, एक ये तार है, जो मोटी तार होती है या एकदम पतला रॉड बोल सकते हो, इसे यहाँ पे डाल के हम दोनों साइड से ग्लू गन कर देंगे। अब ये जो है रेडी हो चुकी है, अभी हम इसे ट्राई कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो अभी काफ़ी रात हो चुकी है और मैं वहाँ से निकल गया हूँ। तो आज मेरे दोस्त ने जो मुझे चीज़ सिखाई है बनानी, उस मोटर, वो जो मोटर वगैरह दिखा रहा था और उस मोटर से उसने जो चीज़ बनाई, वाह बहुत मज़ेदार थी। तो वो मैं अपने साथ लेकर आ गया हूँ, क्योंकि मैं जिस रास्ते से जाता हूँ तो मुझे इस जगह से गुजरना पड़ता है जहाँ पे बहुत अंधेरा है। तो मेरे लिए तो बड़ी काम की चीज़ है और मैं लेकर आ गया, और वो है ये चीज़। ऐसे पाइप से कुछ बनाया हुआ है पाइप, और इसके अंदर मोटर लगाई हुई है और पीछे एक तार दी हुई है, उसको घुमाने से पावर जनरेट होती है और फिर लाइट आती है। मतलब ये बिना बैटरी की चीज़ है, बड़ी मज़ेदार है, अच्छी खासी लाइट आ रही है इसमें। तो इसको अंधेरे में हम काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए मैं अपने साथ लेकर आ गया, क्योंकि मुझे ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ता है। ओ फुल ब्लैक आउट, तो अब हम यहाँ पे से लाइट देंगे और मैं अपना रास्ता नापते जाऊँगा, चलता जाऊँगा। साथ में ये भी देख लूँगा कि हाँ ये बड़े काम की चीज़ है कि नहीं है, कि सिर्फ टाइम पास ही था, बट नहीं, हाँ काम की चीज़ है इतना अंधेरा होने के बावजूद भी। और ये झाड़ पत्तियाँ चमक रहे, डर भी लग रहा है कुछ बाहर ना आ जाए यहाँ से। नहीं फिलहाल तो ठीक है, अच्छा खासा बारिश हुआ है, मस्त हरे हरे चमक रही है सारी पत्तियाँ। चलते जाओ चलते जाओ, बस गाना गाते गाते घर पहुँच जाऊँगा अच्छा खासा। तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मतलब बैटरी, बिना बैटरी के भी टॉर्च जल सकती है, बट आज देख लिया, बहुत सही जगह है। ठीक है, अभी देखते हैं, आज का एडवेंचर तो बहुत मज़ेदार था, बहुत सही चीज़ बनाई उसने, और मेरा जाना हुआ सफल हो गया है।
बट एक चीज इसमें ऐसी है कि इसको कंटिन्यू घुमाना पड़ता है। हाँ थोड़ी मेहनत भी है बट क्या करेगा, बिना बैटरी की चीज़ है तो घुमाओगे तो पावर जनरेट होगी वो मोटर से और फिर लाइट आएगी तो ही तो तुम्हारा काम बनेगा। चलो अभी यहाँ पे तो क्या लाइट है तो यहाँ घुमाने की जरूरत नहीं है, बाकी ठीक है अभी लाइट चाहिए और मुसीबत में अगर कुछ नहीं तुम्हारे पास तो ये एक चीज़ है जिससे तुम पावर जनरेट कर सकते हो और काम में ला सकते हो इस चीज़ को। सही है, बाकी घुमाते जाओ लाइट आ जाएगी। चलो ठीक है, तो मैं तो ऐसे ही घुमाते घुमाते घर पहुँच जाऊँगा, तो आप भी घर जाइए मज़े कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।